और रशिया के रिश्ते बहुत पुरानी रिश्ते हैं, ये दोस्ती ऐसी चलनी चाहिए। तो अगले दो दिन बहुत खास यहां पर होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मॉस्को यात्रा, रूस यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं। आज शाम तकरीबन 5:20 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस पहुंच जाएंगे। दोनों देशों के बीच जिस तरीके से 22वां ये वार्षिक सम्मेलन होना है, इसमें हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, ना सिर्फ रूस के तमाम लोगों के बीच बल्कि जो भारतीय वहां पर हैं उनमें भी खासा उत्साह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, उनके इस दौरे को लेकर देखने को मिल रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के दौरे पर हैं रूस के लिए, जिसके लिए रवाना हो चुके हैं। पीएम मोदी 22वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन का हिस्सा होंगे। पीएम दौरे को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। शाम 5:20 पर रूस पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। वहीं आपको बताएं कि आज शाम राष्ट्रपति पुतिन के साथ प्रधानमंत्री की बैठक होगी, उसके बाद डिनर का भी आयोजन होगा। अगले दिन प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति पुतिन की इस मुलाकात पर दुनिया की भी नजरें हैं। क्या कुछ समझौते भारत और रूस के बीच में होते हैं, क्योंकि जो दोस्ती है भारत और रूस की वो सदियों पुरानी है। लगातार ये दोस्ती और ज़्यादा मजबूत हुई है। मुश्किल हालात हाल फिलहाल में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के वक्त भी भारत ने जिस तरीके का अपना स्टैंड रखा है, तो दमदार दोस्ती की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं और तमाम तैयारियां की गई हैं। टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां स्वागत की तैयारी, ग्रैंड वेलकम की तैयारी की जा रही है। भारतीय रंग में रंगे नजर आ रहे हैं वहां के लोग। पीएम का इंतजार किस तरह हो रहा है, साथ ही लोगों में उत्सुकता और उत्साह बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। सज गया है मॉस्को, तैयारी तमाम की जा रही है, चाहे फिर वो नृत्य की बात हो, डांस की बात हो, इधर के कल्चर को अपनाने की बात हो, या फिर बात हो इंतजार की। लगातार इंतजार भी हो रहा है, बताया जा रहा है कि दो दिवसीय दौरा और इस दौरान कई डॉक्यूमेंट्स का आदान प्रदान भी होगा, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत होगी। बिल्कुल, देखिए दो महाशक्तियां आज मिलते हुए नजर आएंगी, लेकिन इसी बीच आपको लगातार तस्वीरों के जरिए हम बता रहे थे क्या खास तैयारियां वहां पर की गई है। और एक बार फिर से मॉस्को में मोदी मोदी की गूंज सुनाई दे रही है, मॉस्को में जय हिंद की गूंज सुनाई दे रही है। भारतीय समय के अनुसार अगर देखें 5:30 के करीब प्रधानमंत्री मोदी देखिए वहां पर आज मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। और क्या खास तैयारियां की गई है, कितने ज्यादा भारतीय समुदाय के लोग वहां पर उत्सुक है, तमाम तस्वीरें और ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। ये दो देशों के बीच के भरोसे को ताकीद करने वाली तस्वीर है। इसी भरोसे और विश्वास को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर रूस के दौरे पर हैं। मॉस्को में अब दो पुराने दोस्त मिलेंगे तो दुनिया देखेगी। जब मोदी पुतिन की मुलाकात होगी तो दोस्ती की नई दास्तान लिखी जाएगी। अपने दोस्त के ग्रैंड वेलकम के लिए रूसी राष्ट्रपति ने भी पूरी तैयारी कर ली है। जिस शहर में दोनों नेताओं की मुलाकात होगी वहां दिन जितना खूबसूरत होता है शाम उतनी ही सुहानी होती है, लेकिन शहर से ज्यादा चर्चा मोदी पुतिन की मुलाकात की है। आप अपने देश के प्रधानमंत्री और उस देश के राष्ट्राध्यक्ष की मुलाकात को कैसे देखते हैं जहां पर आप बस गए हैं? देखिए, ये तो बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी साइन है कि दो राष्ट्राध्यक्ष, दो मित्र देश एक साथ मिल रहे हैं। ये बहुत दिन बाद एक हो रहा है, करीब 5 साल बाद एक साथ ये दोनों आदमी एक बैठक विजिट के लिए आ रहे हैं, जो कि हमारे भारतीय भाई और रूसी दोनों जो है इसे बहुत उत्साहित हैं। भारत का झंडा है और रूस का झंडा है, अब ये जब दोनों आपस में मिलते हैं तो डॉक्टर रामेश्वर सिंह जैसे भारतीय जो रूस के हो गए हैं अब हमें नजर आते हैं, तो मुझे बताइए इस भावना को कैसे आप रखेंगे? देखिए, बहुत पुराना स्लोगन हमारा है रूसी हिंदी भाई भाई, तो उसी का एक सिंबल है ये। एक तरफ पुतिन मोदी से मिलने के लिए उत्साहित हैं, तो रूसी लोग भी मोदी की झलक पाने के लिए उत्सुक हैं। मोदी के वेलकम के लिए रूसी महिलाएं भारतीय परिधान में डांस करते हुए दिखाई दे रही हैं। हमको बहुत ये बहुत वेरी ऑस्पिशियस ऐसा प्रिविलेज फील कर रहे हैं आजकल। ये इसमें क्या प्राइम मिनिस्टर का
विजिट का लेके हम बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो रहा है। कल्चरल का इवेंट नॉट ओनली कुचिपुड़ी, सबके स्टाइल्स में सब लोग बहुत एक्साइटेड है, बिकॉज ये बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी है सब लोगों का, रशियन गर्ल्स को भी, हमको भी, हमारा वर्क दिखाने के लिए हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर के विजिट में बहुत खुश है। हमारे पीएम जी यहाँ पे आ रहे हैं, विजिट है उनकी, तो हम सब लोग बहुत एक्साइटेड है। उसके लिए हमने प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी की है। हमारे सब रशियन जो स्टूडेंट्स हैं वो भी काफी मेहनत करते हैं डांस में, और डांस सीखा उन्होंने, तो हमने अभी शिव स्तुति सिखाई इनको, शिव स्त्रोत्रम सिखाया इनको, तो उस पर हम लोग मोदी जी के सामने अपने परफॉर्मेंस देंगे। भारत रूस दोस्ती का नया चैप्टर लिखने वाला है, जिस पर दुनिया के कई देशों की नजर है। रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच दोनों नेता एक बार फिर मिलने वाले हैं। इसे दुनिया की बड़ी मुलाकातों में से एक माना जा रहा है। भारत अकेला देश है जिसने अमेरिका के साथ संबंध गहरे किए, तो रूस का साथ भी नहीं छोड़ा। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में इसके सबूत मिलते हैं। स्विट्जरलैंड पीस समिट में यूक्रेन से युद्ध को लेकर जब रूस की आलोचना हुई, तो भारत ने खुद को साझा बयान से अलग किया। युद्ध को लेकर पश्चिमी देशों ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए, लेकिन भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखा। अपने तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस को अपने पहले द्विपक्षीय दौरे के रूप में चुना है। अब इसे लेकर कई सवाल उठे हैं। प्रतिबंध अमेरिका से लेकर कई यूरोपीय देशों ने रूस पर लगा रखे हैं, रूस यूक्रेन जंग के चलते, लेकिन भारत ने यह साफ बता दिया है कि वो अपने रिश्ते भी खुद चुनेगा और अपने दोस्त भी खुद चुनेगा, और किसी तरह के अंतर्राष्ट्रीय दबाव में नहीं आने वाला है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी का ये पहला, तीसरे कार्यकाल का पहला दौरा रूस में है। भारत ने देश हित के मुद्दों पर पश्चिमी देशों के दबाव को नहीं माना। भारत की स्वतंत्र विदेश नीति है जिसमें वो किसी भी गुट का हिस्सा नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से भारत और रूस के रिश्ते और मजबूत होंगे। बस इसी बात ने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है। हाल ये है कि जब अमेरिकी उप विदेश मंत्री कर्ट कैम्पबेल से पूछा गया कि क्या रूस के साथ भारत की साझेदारी को देखते हुए अमेरिका चिंता में है, तो उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत से गहरे और मजबूत संबंध विकसित करना चाहता है। हम ये जानते हैं कि भारत और रूस के बीच जारी संबंधों से कौन से क्षेत्र प्रभावित होते हैं। हम उन क्षेत्रों में भारत रूस की घनिष्ठता को कम करने के लिए कदम उठाएंगे। अमेरिका और भारत दोनों ही महाशक्तियां हैं। इसके बीच कई क्षेत्रों में तालमेल है, लेकिन आश्चर्य की बात नहीं है कि ऐसे क्षेत्र भी होंगे जहां हमारे विचार और ऐतिहासिक संबंध शायद मेल नहीं खाते हों। उधर ड्रैगन भी मोदी के रूस दौरे से तिलमिलाया हुआ है। सबसे ज्यादा मिर्ची चीन को ही लग रही है। चीन का कहना है कि भारत अमेरिका के हाथों की कठपुतली है, भारत से स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने की बात कर रहा है। इस यात्रा पर पाकिस्तान भी अपनी नजरें जमाए हुए बैठा है। भारत और रूस दोनों ही आतंकी घटनाओं से पीड़ित है। ऐसे में इस मुलाकात में रक्षा को लेकर भी कई समझौते होने की उम्मीद है। भारत ने देश हित के मुद्दों पर पश्चिमी देशों के दबाव को नहीं माना। भारत की स्वतंत्र विदेश नीति है जिसमें वो किसी भी गुट का हिस्सा नहीं है। ऐसे में इस मुलाकात पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।